शिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव जी की रात्रि होती है, ये कोई साधारण रात्रि नहीं होती, महाशिवरात्रि। भगवान की 16 कलाएं निरंतर विद्यमान होती है। और शिवरात्रि का दिन का विशेष महत्व क्या है, वैज्ञानिक कारण देखिएगा, साइंटिफिकली रीजन। हर पर्व के वैज्ञानिक कारण होते हैं, हर पर्व के। इस शिवरात्रि के दिन आध्यात्मिक उन्नति पाने का अवसर प्राप्त होता है हमारे जीवन में, सिद्धि और साधना प्राप्त होती है शिवरात्रि के दिन। हर अमावस्या के एक दिन पहले को शिवरात्रि कहते हैं, आप सबको पता होगा। हर अमावस्या का एक दिन पहले शिवरात्रि का पर्व होता है। 12 शिवरात्रि वर्ष में होती है। हाँ, जिस दिन अधिक, जिस समय अधिक मास बढ़ जाता है ना, 13 शिवरात्रि होते हैं। 12 शिवरात्रि, 12 महीने अमावस्या के एक दिन पहले विशेष पूजन होती है भगवान शिव जी की। शिवरात्रि का दिन, हर महीने शिवरात्रि आता है भैया। महाशिवरात्रि की रात हमको ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि इस दिन लंबे समय तक इस पृथ्वी पर ऊर्जा निहित रहती है। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ऊर्जा प्रकृति रूप से भी, यह ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, जैसे भाप निकलता है, वैसे ऊर्जा शिवरात्रि के दिन ऊपर की ओर जाती है। और एक और निवेदन कर दूं आप सबको, प्रत्येक शिवरात्रि जो भी होता है ना, 21 मार्च के पहले होता है। हाँ, 21 मार्च के पहले। और 21 मार्च के का दिन जो होता है ना, इक्विनास के नाम से जाना जाता है। इक्विनास, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं सूक्ष्म निवेदन करने जा रहा हूं। 21 मार्च का जो दिन होता है वो इक्विनास के नाम से जाना जाता है। और ये इक्विनास दो बार आती है हमारे इस 365 दिन में। इक्विनास किसे कहते हैं, जो दिन दिन भी उतने ही समय का होता है, रात भी उतने ही समय का होता है, समझिएगा। 21 मार्च का दिन जो होता है ना, दिन भी उतने ही समय का रहेगा, रात भी उतने ही समय का रहेगा। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व, हर महाशिवरात्रि 21 मार्च के पहले ही आएगी, बाद में नहीं आता है। हाँ, प्रत्येक शिवरात्रि अभी शायद 19 या 20 तारीख को रही मार्च में, इसके पहले जो हुआ था 21 क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि 21 तारीख विनाश के रूप में होता है। हाँ, और महाशिवरात्रि के दिन अब केंद्रीय बल इस पृथ्वी पर कार्य करता है। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल का आशय क्या है, यह अब केंद्रीय बल जो होती है ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रदर्शित करती है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यह ऊर्जा जाती है भैया। अब केंद्रीय बल, बच्चे पढ़े होंगे, बॉल को हम पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं, उसमें बल लगता है, रिमूव करता है बॉल, रोटेशनल मूवमेंट करता हुआ बॉल रिमूव होता है, मतलब दूर जाता है हमसे, यही अपकेंद्रीय बल है। वैसे ही अपकेंद्रीय बल का आशय क्या, प्रकृति के जो बल होती है वो हमारे हमारे हृदय के, हमारे शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनको रिमूव करता है, और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे शरीर में स्थापित करता है, विशेष रूप से शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि के दिन आप भगवान की भजन करने बैठोगे ना, सत्य कहता हूं, आप अनुभव करिएगा, आपके हृदय में नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में नहीं रहेगी। उस दिन विशेष फल है, क्योंकि इस दिन पूरे पृथ्वी पर अब केंद्रीय बल काम करता है। इसलिए इस दिन साधना करनी चाहिए रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, क्योंकि हमारे शरीर में भी अब केंद्रीय बल स्थापित होता है। और जब रीढ़ की हड्डी को जब सीधी करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है ऊपर की ओर जाती है, और वह ऊर्जा मस्तिष्क में आकर के स्थिर हो जाती है, जिनसे ध्यान करने में अधिक आसानी मिलती है, आसानी होती है। इसलिए जैसे जैसे इंसान का विकास होता है, वैसे वैसे उनकी रीढ़ की हड्डी का भी विकास होता है जब बढ़ता है। और ये महाशिवरात्रि के दिन
रात्रि में प्रयास करना चाहिए 12 बजे से लेकर के 4 बजे दिन तक सोना नहीं चाहिए। सबसे मेरी निवेदन है, रात्रि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक सोना नहीं चाहिए, सीधे बैठ करके भगवान शिव का नाम लेते रहना चाहिए। इस दिन जो आपको ऊर्जा मिलेगी, यह जो ऊर्जा है यह एबनॉर्मल ऊर्जा है, असाधारण ऊर्जा है। शिव जी की जो शक्ति है ना, संपूर्ण शक्ति शिवरात्रि के दिन इस लिंग पर आकर के समा जाती है। और शास्त्र यहां तक से कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी उन प्रतिष्ठित लिंगों पर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए शिवरात्रि